हेलो गाइज, वेलकम टू बी वेल विज्ञान प्रदीप शर्मा है। और आज इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है सब्जेक्ट को आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और काफ़ी बढ़िया जो है टॉपिक को हम यहाँ पर पकड़ेंगे। तो हमारा पीछे जो है टैक्स लॉ हमारा हो चुका है, तो अब यहाँ पर हम बैंकिंग लॉ को जो है स्टार्ट करते हैं। चलो जी, ठीक है। तो बैंकिंग लॉ के अंदर हमारे सबसे पहले हमारे यहाँ पर टॉपिक आएगा फ्रॉड का। तो चलो जी, बैंकिंग लॉ नाम से समझ आ रहा है, बैंक से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर फ्रॉड मतलब फ्रॉड किससे रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड। तो बैंकिंग से रिलेटेड फ्रॉड के ऊपर हमारे यहाँ पर आज चर्चा का विषय रहेगा। तो चलो जी, इट कैन बी डिफाइंड एज एनी एक्ट बाय विच वन पर्सन गेन्स एडवांटेज ओवर द अदर पर्सन। तो फ्रॉड का मतलब होता है कोई एक बंदा एडवांटेज में आ गया दूसरे बंदे के कंपैरिजन में। सो इट इज एन एक्ट बाय विच रॉन्गफुल गेन इज कॉज टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। गलत तरीके से किसी का फायदा और गलत तरीके से किसी का लॉस होना, इसी पूरे प्रोसेस को हम फ्रॉड के डेफिनेशन में डाल सकते हैं। तो फ्रॉड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 17 जो है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके अंदर फ्रॉड का क्या डेफिनेशन है, कह रहा है फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट और बाय इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी ऐसा काम करना, किसी के थ्रू एजेंट के थ्रू कराना, किसी के बंदे के थ्रू कराना या कुछ भी तरीके से कराना, तो इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उसका फायदा हो और उसका जो है दूसरे वाले का नुकसान हो जाए। तो रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस वाली कहानी आएगी। एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड अगर हम यहाँ पर देखें तो वो क्या बन के आते हैं भाई, वो आते देखो सबसे पहले चीज़ है मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मस्ट रेफर टू अ फैक्ट। कोई ऐसा कुछ आना चाहिए कि कोई रिप्रेजेंट है, देखो इसमें कितना बढ़िया चीज़ है, और उस रिप्रेजेंटेशन के पीछे कोई एक फैक्ट होना चाहिए। द फैक्ट इज नॉट ट्रू, अब नकली, ओ देखो भाई क्या बढ़िया बैंक है, ओ जी एक ये बाकी सारे बैंक तुमको 4% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये तुम्हारे को 20% इंटरेस्ट दे रहा है। तो पहले मैंने एक रिप्रेजेंट किया कि एक बैंक को, कह रहे भाई ये फलाना फलाना एक्स वाई जेड बैंक बहुत बढ़िया है, और फिर एक फैक्ट बनाया कि ये बाकी सारे 4% देते हैं, ये वाला पर्टिकुलर बैंक जो है वो तुम्हें दे रहा है 20%, जो एक फैक्ट बनाया जो कि ट्रू नहीं है, ठीक है, और द फैक्ट इज़ नॉट ट्रू और द अदर पर्सन विल डू समथिंग, और उस केस में उसने कुछ कर दिया, अपना अकाउंट खुलवा लिया या व्हाट्सएवर कर दिया। तो ये जो है एक तरीके का फ्रॉड की डेफिनेशन में आ जाएगा। बैंकिंग फ्रॉड की हम बात करें तो किस किस तरीके से हमारे यहाँ पर बैंक फ्रॉड हो सकते हैं भैया, रॉबरी हो सकता है, डकॉइटी हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, फॉर्जिंग हो, वो होता है ना फॉर्ज सिग्नेचर मतलब नकली, गलत कर दी किसी के उसमें नाम पर, नकली किसी के नाम पर मार दी। रीजंस फॉर बैंकिंग फ्रॉड, क्या रीजंस है भैया बैंकिंग फ्रॉड के, भैया हो सकता है देखो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टाफ ऑफ द बैंक इटसेल्फ, भाई क्या पता स्टाफ ही मिला हुआ, बाय मैनिपुलेटिंग चेक्स ड्राफ्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट, क्या पता जो बैंक के चेक हैं ड्राफ्ट हैं वो सबको मैनिपुलेट कर दिया उस वजह से फ्रॉड हो गया, या फिर कोल्यूजन बिटवीन बिजनेसमैन टॉप बैंक एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट एक्सेट्रा, भाई भिड़ंत हो गई हो बड़े बड़े टॉप बिजनेसमैन और बैंक के अंदर की, वो भी तो हो सकता, बिल्कुल हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता। और ये हिला इसलिए क्योंकि ये हिल गया था मेरा। चलो, कंपोनेंट्स ऑफ बैंकिंग फ्रॉड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो द इंटेंशन ऑफ द पर्सन कमिटिंग फ्रॉड, कंपोनेंट मतलब कि क्या क्या मेन इसके रहने चाहिए, ये चीज़ें तो रहेंगे तभी बैंकिंग फ्रॉड के डेफिनेशन में आ पाएगा। द इंटेंशन ऑफ द पर्सन कमिटिंग फ्रॉड, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए मतलब गिल्टी इंटेंशन। द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द पर्सन कमिटिंग फ्रॉड, उसको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल गया कि बंदा सेट कर लिया बैंक के अंदर या कुछ भी कर दिया, नकली सिग्नेचर कर दिए चेक पे या कुछ कर दिया। अब फ्रॉड प्रॉन एरियाज इन बैंक, अब कौन कौन से ऐसे एरियाज होते हैं बैंक के अंदर जो फ्रॉड प्रॉन है मतलब कि फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा उसमें चांसेस हैं। देखो जी, सेविंग बैंक अकाउंट सबसे ऊपर, सेविंग बैंक अकाउंट आता है इसमें बहुत ही फ्रॉड होते हैं आपके पास, हाँ जी सर आपका ना डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा अगर आप फलाना ढिमकाना नहीं करेंगे, बैंकिंग फ्रॉड की गारंटी करिए। करंट बैंक अकाउंट पर जनरली इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसमें भी रहता है बाय एडवांसेस, कोई एडवांस कर रहा है उसमें फ्रॉड हो सकता है। इंटर ब्रांच अकाउंट उसके फ्रॉड हो सकता है, और रेमिटेंसेस इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। सेविंग बैंक अकाउंट पे किस तरीके से फ्रॉड हो सकता है पहले ये देख लेते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट होता क्या है पहले ये समझते हैं। इट इज़ मेनली मेंट फॉर नॉन ट्रेडिंग कस्टमर्स हु हैव सम पोटेंशियल ऑफ फॉर सेविंग एंड हु डू नॉट हैव न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स। तो सेविंग अकाउंट उन बंदों के लिए होता है जिसकी बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होती और जिसकी आदत होती है सेव करने की, नाम से सेविंग अकाउंट 1,00,000 रुपये आया वही काम करते, 60,000 रुपये सेव कर देते, 40,000 खर्च कर देते सेविंग। तो पीपल हु ओपन सच अकाउंट कौन कौन हो सकता है भाई, सैलरीड क्लास हो सकती है, स्मॉल ट्रेडर हो सकता है, फार्मर, ट्रेडर्स भी खोलते हैं ऐसी बात नहीं, हालांकि नॉन ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है इस पर, लेकिन स्मॉल ट्रेडर्स रिटेल ट्रेडर्स जिसको हम कहते हैं वो सेविंग अकाउंट खोलते हैं। फ्रॉड्स क्या हो सकते हैं, फ्रॉड्स इन दीज अकाउंट क्या होते हैं भाई, फॉर्ज सिग्नेचर नकली सिग्नेचर मार दिए, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट बाय डिसऑनेस्ट पर्सन, भाई क्या पता किसी का अकाउंट हर कोई और ही उसे ऑपरेट कर रहा है, फ्रॉड बाय बैंक एम्प्लॉयज ये भी हो सकता है एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेजर्स टू प्रिवेंट फ्रॉड, क्या इस सेविंग इस टाइप ऑफ अकाउंट में किस तरीके से हम बचा सकते हैं, सिग्नेचर मस्ट बी वेरीफाइड, सबसे पहली चीज़ बैंकिंग सेविंग अकाउंट से रिलेटेड जितने भी सिग्नेचर हैं
सबको। अच्छा आपको एक बात बता दूँ, ये जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें आगे भी सेम ही रहने वाली है, मतलब सिग्नेचर हर जगह ही वेरीफाई होंगे, एम्प्लॉय मस्ट फॉलो द प्रोसीजर हर जगह ही होगा, चाहे करंट अकाउंट कोई, यार अकाउंट कोई भी खुलाओ, अकाउंट है तो उसी ब्रांच में ना, उस ब्रांच में काम तो वही कर रहे हैं, तो भाई सिग्नेचर हर चीज़ में वेरीफाई करो, एम्प्लॉयज मस्ट फॉलो द प्रोसीजर हर जगह करो, ए प्रिवेंशन ऑफ मटेरियल ऑल्ट्रेशन हर जगह करो, एक्सेट्रा। दूसरा आता है करंट अकाउंट, भैया करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट होता है इट इज अ रनिंग एंड एक्टिव अकाउंट विच मे बी ऑपरेटेड अपॉन एनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द वर्किंग पे, तो इसको करंट अकाउंट नाम से नाम है, करंट अकाउंट ही वर्किंग अकाउंट है, वो भाई पैसा आ रहा है जा रहा है, फटाफट चल रहा है हिसाब किताब, करंट अकाउंट हो गया, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता जनरली। पीपल ओपन करंट अकाउंट बिकॉज बिग बिजनेसमैन हो गए, जॉइंट स्टॉक कंपनीज हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गए, पब्लिक अथॉरिटीज़ हो गई, ये लोग जो हैं करंट अकाउंट में जो है अकाउंट खोलते हैं जनरली, क्योंकि इनका पैसा बड़ी फास्ट मूविंग तरीके से रहता है, आना जाना लगा रह रहा है पैसे का, तो वो चीज़ है। फ्रॉड इन करंट अकाउंट, भाई करंट अकाउंट में किस किस तरीके से फ्रॉड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, फॉर्ज्ड सिग्नेचर, वही मैंने कहा ना जो हम पीछे पढ़ेंगे वही एज इट इज, थोड़ा बहुत 19-20 का ऑल्ट्रेशन होगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फॉर्ज्ड चेक, ठीक है, नकली, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय एम्प्लॉयज, वही एम्प्लॉय ने काम मिल मुला गए, फ्रॉडुलेंट ऑल्ट्रेशन ऑफ चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट, तो वो चीज़ हो गई, ठीक है जी। और मेजर्स टू कोप अप, वही चीज़ है, इसको कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है? बाई सिग्नेचर मस्ट बी वेरीफाइड, चेक्स मस्ट बी कैप्ट इन प्रॉपर कस्टडी, एम्प्लॉय मस्ट फॉलो द प्रोसीजर और अनयूज चेक मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, तो वही चीज़ को एम्प्लॉय प्रोसीजर सेट फॉलो करे, एम्प्लॉय मस्ट फॉलो द प्रोसीजर, सिग्नेचर मस्ट बी वेरीफाइड, चेक मस्ट बी कैप्ट इन प्रॉपर कस्टडी, नॉर्मल चीज़ें। तीसरा आता है एडवांसेस बाय बैंक, अगर लोन दे रहा है तो क्या होगा, तो उसमें क्या फ्रॉड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भैया, प्लेजिंग ऑफ फेक गोल्ड ऑर्नामेंट, तुमने जो है गिरवी रखवा दी नकली गोल्ड और वो बैंक ने सेटिंग कर लिया, हाँ भाई ठीक है चल, तू 1 लाख 2 करोड़ का लोन ले रहा है ना, 40 लाख हमें दे दियो, बाकी कर लियो अपने, और ये फेक हम गोल्ड रख लेते, काइंड ऑफ फ्रॉड हो गया। तो फेक गोल्ड को तुमने रख लिया है, सब स्टैंडर्ड गुड्स मे बी प्लेज्ड, भाई जो सब स्टैंडर्ड गुड्स है नकली बेकार घटिया माल है, उस चीज़ को तुमने प्लेज कर दिया, उसके बिहाफ पे गोल्ड गोल्ड दे दिया। सम गुड्स मे बी अगेन हाइपोथेटिकेटेड बाई द बोरोअर टू अ डिफरेंट बैंक, एक जगह पे गिरवी रखे हुए हैं, ठीक है, उन्हीं सेम गुड को दूसरी जगह भी गिरवी रखवा दिया, बड़े आराम ही हो रहे हो तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। मेजर्स टू प्रिवेंट, भैया क्या तरीके हो सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, क्रेडेंशियल ऑफ द बोरोअर मस्ट बी चेक्ड, बंदा क्या नाम है, एड्रेस क्या है, सारी चीज़ें चेक करो ताकि कोई गड़बड़ हो तो सड़क ही पकड़ लो उसको। क्रेडेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयज मस्ट बी चेक, भाई जो ले रहा है जो करवा रहा है गोल्ड को या जो भी ऑर्नामेंट या गुड, उसका क्रेडेंशियल तुम्हारे पास होना चाहिए। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ ऑल द बुक एंड अकाउंट्स, तो जो भी बैंक के बुक अकाउंट वगैरह होते हैं जिसमें प्लस माइनस वगैरह लिखा होता है, वो सबको चेक करो। चौथा होता है इंटर ब्रांच अकाउंट, इसमें क्या फ्रॉड हो सकता है भैया? कह रहा है दिस टाइप ऑफ फ्रॉड कैन बी कमिटेड ओनली बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक, क्योंकि इंटर बैंक अकाउंट है, मतलब बैंकों के बीच में कुछ रिलेशन चल रहा है, तो बैंक वाले ही तो कर सकते हैं, कोई बाहर का बंदा तो है नहीं इसमें। सो द डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय मे क्रेडिट हिज पर्सनल अकाउंट बाय डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ सम ब्रांच ऑफ द अदर, तो इसने क्या करा है इस बंदे ने कि जो एम्प्लॉय है, पहली बात तो हमने ये समझ लिया, उसने जो है अपने मे क्रेडिट हिज पर्सनल अकाउंट बाय डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ सम अदर बैंक, मतलब अदर ब्रांच ऑफ द बैंक, किसी और बैंक की ब्रांच के उसमें से पैसा निकाल के अपने उसमें डाल दिया, ये जो है फ्रॉड तो हो गया, तो ये एम्प्लॉय कर सकते हैं, इसमें कोई थर्ड पर्सन जो है नहीं होगा इन्वॉल्व। पांचवा है रेमिटेंस, रेमिटेंस क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता, इसकी स्पेलिंग लिख लो REMITTANCE, फ्रॉड कमिटेड थ्रू मेल ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर एंड डिमांड ड्राफ्ट ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस काइंड ऑफ फ्रॉड, इसके अंदर जो है मेल के थ्रू हो रहे हैं, टेलीग्राफ के थ्रू हो रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट DD जो बनते हैं उसके थ्रू हो रहे हैं, वो उसमें है। कमिटेड बाई द फॉर्जरिंग द सिग्नेचर, इसके अंदर बेसिक एलिमेंट रहता है सिग्नेचर्स को जो है तुमने हेरा फेरी कर दी। प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? वही चीज़ है, मैनेजर मस्ट वेरीफाई द ड्रॉइंग ऑफिशियल सिग्नेचर, तो जिसके सिग्नेचर है उसको प्रॉपर वेरीफाई करके भाई सही सिग्नेचर मार रहा है नहीं मार रहा है, इधर उधर के तो नहीं मार रहा। द पेपर एंड द वाटर मार्क ऑन द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी चेक्ड, ठीक है जी। द पर्टिकुलर केयर शुड बी टेकन ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट ऑफ हाई अकाउंट विच आर टू बी डिपॉजिटेड इन एनी न्यू अकाउंट, तो DD से रिलेटेड रहेगा ये, तो उसके अंदर उसके सारी चीज़ों को चेक करो। प्रिवेंशन प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रिवेंट बैंकिंग फ्रॉड, कह रहे जी बैंकिंग फ्रॉड की एक जनरल प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो? हमने डिटेल तो पढ़ लेगी, करंट अकाउंट में ये कर लो, सेविंग अकाउंट में ये कर लो, रेमिटेंस में ये कर लो, वो कर लो, जनरल क्या रहेंगे, घुमा फिरा के वही आने वाले। बैंक मस्ट नॉट रिलाई ऑन एनी एनी पर्सन अनड्यूली, ऐसे अंधा विश्वास मत कर लो किसी भी पर्सन, अरे भाई तू तो अंबानी का चाचे का ताऊ का भाई है, अच्छा भाई तू ले जा भाई लोन बिना कोई सिक्योरिटी के, अंधा विश्वास मत करो। रिकॉर्ड मस्ट बी कैप्ट रेगुलरली,
या अपडेटेड रेगुलरली, वही सी चीज़ हो गई, ठीक है। पीरियोडिकल जॉब रोटेशन ऑफ एवरी इंप्लॉय मस्ट बी डन। हाँ, अब एक जगह एक ही बंदा काम करे जाएगा ना, तो उसमें वो कांड कर सकता है, तो इसलिए उसको कोशिश करो कि रोटेशन में रखो, कि उसको कभी कुछ दूसरा काम दे दे, फिर कभी कुछ दूसरा काम दे दे, ताकि वो एक जगह पर सेट ना हो जाए। अ क्लाइमेट ऑफ ऑनेस्टी शुड बी देयर। क्लाइमेट ऑफ ऑनेस्टी होनी चाहिए, तुम्हारे अच्छे रहने चाहिए, जो तुम्हारे एम्प्लॉय खुश रहने चाहिए, तभी वो तुम्हारे साथ कांड नहीं करेंगे, वरना तो कांड कर देंगे वो लोग। इफ़ एनी फ्रॉड अकर्स इट मस्ट बी रिपीटेड रिपोर्टेड एंड इन्वेस्टिगेटेड थॉरली। रिपीटेड नहीं, रिपोर्टेड, उसको रिपोर्ट करा जाए और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए और प्रॉपर जो है सज़ा उसमें जो है होनी चाहिए, ठीक है जी। तो जी ये था जी हमारा ये वाला पार्ट, और मैं सोच रहा हूँ कि इसके आगे वाले को अगली में बनाते हैं यार। इसको यहीं बनाता हूँ, इसको यहीं रोकता हूँ वीडियो को, मैं डालूंगा एक साथ ही, वीडियो कंटिन्यूएशन भी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पार्ट को जो है आगे मैं अगले उसमें बनाता हूँ। तो चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। अगले पार्ट के लिए आप स्टे ट्यून्ड रखिए अपने आप को बिल्कुल, और चैनल पे जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे सब्जेक्ट की, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट आपके पास आ जाएंगे। जो भी आपने सब्जेक्ट पे क्लिक करना है, वहाँ पर क्लिक करके आपको सारी उस रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई वैसे सर्च करनी है, पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आपको समझ आ रहा, यूट्यूब पर टॉपिक सर्च करिए, उसके बाद BBLLB ज्ञान लिख दीजिएगा, ताकि आपके पास अगर मैंने कोई वीडियो अपलोड करी होगी तो आपके पास शो हो जाएगी। नहीं करी होगी ऑब्वियसली नहीं होगी। यूट्यूब ने कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बना रखा है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है बेधड़क वहाँ पर कमेंट करिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपने जो है वीडियो डिसलाइक करी, ताकि उस चीज़ को मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत ही बढ़िया, आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं है, और अगर नहीं करा कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है तुम लोग कर रहे हो मिस। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन को उसको क्लिक करके ऑल पर कर दीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। तो M&M नहीं हूँ मैं। चलो जी, थैंक्स वॉचिंग टू बी वेल अगेन, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, कोरोना से बच के। थोड़ा सा वीडियो में ग्रेन आ रहा है ना, क्या करें यार, लैपटॉप्स का कैमरा ऐसे ही होता है।